नमस्कार, देखिए हम खड़े हैं मथुरा के छठीगरा रोड पर और ये विश्व प्रसिद्ध जगह है। विश्व प्रसिद्ध अर्थात बांके बिहारी की नगरी। बांके बिहारी की नगरी, यहाँ गंगा की नहर बह रही है। देखिए ये विकास की नहर है, ये है विकास। वैसे योगी महाराज मथुरा में 19 बार आ चुके हैं और जोरों पर चर्चा भी है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये देखिए ये विकास हो रहा है। यहाँ पर सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, नगर निगम बीजेपी का, नगर पालिका बीजेपी की, विधायक, ऊर्जा मंत्री, सब कुछ यहाँ पर होते सोते। देखिए कैसी विकास की गंगा बह रही है। ऐसी गंगा पूरे विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये चिकनी रोडें हैं, कितनी बढ़िया विकास हो रहा है। ये देखिए ये जो पानी है ना, पानी नहीं है, ये गंगा जी है, ब्रज की गंगा है ये। और लोगों को यहाँ निकलने के लिए बड़ी, जो श्रद्धालु आते हैं ना बांके बिहारी, उनको यहाँ देखने को बड़ा अच्छा अनुभव होता है। उनको जो फील होनी चाहिए ना भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो बहुत अच्छी फील लेके जा रहे हैं। जमुना यहाँ मिल रही है उन्हें, गंगा यहाँ मिल रही है उन्हें। अरे शर्म करो, शर्म। अगर कहीं कुछ बचा है, विकास के नाम पर जनता को ठगना बंद कर दो, क्योंकि ये विकास नहीं, ये तुम्हारा सर्वनाश है यहाँ पर। क्योंकि बांके बिहारी की नगरी में आप किस तरह का ये कृत्य कर रहे हैं, या ना नगर पालिका ध्यान देती है, ना नगर निगम देता है, ना ही कोई पार्षद ध्यान देता है, ना ही कोई प्रधान ध्यान देता है इन चीज़ों पर, और ना कोई विधायक ध्यान देता है, ना सांसद हेमा मालिनी ध्यान देती हैं। वैसे हेमा मालिनी कहती हैं कि मैं ब्रज को चमकाने का कार्य कर रही हूँ। ऐसे चमकेगा हमारा ब्रज। यहाँ अगर जो श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे, वो क्या छवि लेके जाएंगे ब्रज की, बांके बिहारी की क्या छवि जाएगी। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। भैया आप कहाँ से हो? यहीं से, लोकल। यहाँ छठीगरा से हो? हाँ भैया, छठीगरा से। स्थिति कब से है भैया? पर डे होती है ये, पर डे ही ऐसी कीच होती है यहाँ पर। तो ये तो प्रधानी के इलाके में आता है ना? बिल्कुल आता है। प्रधान जी क्यों नहीं साफ करते इसे? पता नहीं जी, कोई आता ही नहीं है देखने के लिए। यहाँ पर डे होती है। प्रधान जी ट्रैक्टर की है, ट्रैक्टर खड़े हुए हैं जी, लेकिन चल नहीं रहे हैं। ट्रैक्टर किस लिए खड़े हैं? ट्रैक्टर जल भरने के, ये पानी भरने के लिए खड़े है, लेकिन सुबह से खड़े हैं ये ट्रैक्टर, खड़े रहते हैं खाली, आके दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। नगर निगम भेजता है, प्रधान जी बुला रहे हैं या? अब ये पता नहीं कौन भेज रहा है साहब। ये पानी तो बरकरार भरा रहता है यहाँ, बरकरार भरा, बरकरार। कितने दिन से भरा? पड़े पड़े। हाँ दादा, ये बोला हूँ, हम छठिया के रहने वाले हैं, यहाँ के प्रधान जी और व्यवस्था देखते भी नहीं है और पानी भरा हुआ। प्रधान यहाँ के नरेश जी? नरेश जी हैं। हाँ जी। और वो कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देते? ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ होता है, लेडीज भी गिर पड़ती हैं और कपड़े भी खराब हो जाए, बदलने के लिए कपड़े भी नहीं है उनके पास। यहाँ अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे निकल के जा रहे थे, और वो बच्चे किस तरह से स्कूल के निकल के जा रहे थे, तो उस स्थिति को अगर हम दिखाएंगे आपको वीडियो में भी कि किस तरह से यहाँ से बच्चे निकल के जा रहे थे। और देखिए ये पीछे देखिए, अभी ये तो पुल के नीचे से यहाँ से वृंदावन जाते हैं। ये जगह जो है ना, वृंदावन निकलने के लिए रास्ता है, जो बांके बिहारी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। और ये देखिए पीछे ट्रैक्टर तो खड़े कर रखे हैं, लेकिन दिखावे के लिए। ये दिखावा किस लिए कि देखिए हम तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या करें। और ये हमने जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों से बात की, टोल प्लाजा पे बात की, तो उन लोगों का कहना है कि साहब हमारे नालों को नगर पंचायत वाले, नगर निगम वाले चौक कर देते हैं, हम कब तक इन्हें साफ करते रहेंगे। और ये देखिए परिस्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार देखिए आप, यहाँ सिर्फ नाले चौक हैं, रोड पर पानी भरा है, विकास हो रहा है। देश में सिर्फ विकास कागजों पर हो रहा है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। और मूर्ख किस तरह से बनाया जा रहा है कि विकास के नाम पर, विकास के नाम पर ये ट्रैक्टर खड़े कर दिए पानी निकालने के नाम पर। पैसा बर्बाद हो रहा है, जनता का पैसा हो रहा है, क्योंकि टैक्स जनता देती है। ये देखिए स्कूटी कितनी डूबी हुई है, कितने प्यारे से। अगर ये बंदा यहाँ आया है किसी काम से, अब स्कूटी कहाँ खड़ी करे, ये देखिए। और विकास देखिए कितना अच्छा अजीब हो रहा है, कितना पानी है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये इसी तरह से जब परदेसी आते हैं ना, और परदेसियों के साथ जब ऐसी स्थिति होती है, उनके कपड़े ख़राब होते हैं, वो पानी में गिर जाते हैं। ये देखिए एक भाई है मेरे, इधर आना चाह रहे हैं लेकिन पानी की वजह से आ नहीं पा रहे। ये परिस्थिति कौन सही सुधारेगा? सिर्फ नेता बड़े बड़े वादे करते रहेंगे। कहाँ से हैं अंकल जी आप? मैं तो यहीं से भैया। दुकान वगैरह आपकी? दुकान चाय की दुकान है या? सब दुकान मेरी यहीं से लग रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं? देखो यार पानी की क्या हालत है रही है। नहीं आप वैसे बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक हेमा मालिनी भी कहती है मैं बहुत अच्छा विकास कर रही हूँ, श्रीकांत अच्छे दिन आएंगे, ऐसे ही अच्छे दिन आ रहे हैं।
यहाँ गरीबन की तो ब्रज विकास तीर्थ परिषद डंका पीट रहा कि हमने इतना जोरदारी से चमका दिया ब्रज को, कम से कम होगी ना, कम से कम 100 आदमी की रोटी रोजी चल रही थी। शायद सरकार जो कह रही थी कि हम ब्रज में गंगा का पानी पिलाएंगे, ये गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी है, देखो आप गंगा जमुना दोनों यहाँ मिला दिया, त्रिवेणी बना दी है, त्रिवेणी बना दी है, उसमें तो आनंद आता होगा, बहुत आनंद आ रहा है सबको, परदेशी देखो कम से कम 20 गाड़ी यहाँ गिर गई है, सुबह से 20 गाड़ी गिरी है, घूमिए आप घूम के, 20 गाड़ी गिरी है यहाँ पे। आपने कभी प्रधान जी से शिकायत की? प्रधान जी तो देखते ही नहीं, आते ही नहीं है कभी। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम क्या है, तो नाम ही नहीं पता, नरेश सॉरी, प्रधान जी का नाम ही भूल गए नरेश। हाँ, जब जनता के बीच नहीं रहेंगे तो भूलेगी पब्लिक, क्योंकि प्रधान जी को तो खाली वोट लेने थे, वोट ले लिए, और जयराम जी की प्रधान जी की भी कमी नहीं है कि प्रधान जी भी दारू से वोट लेते हैं, खुल के बोलता हूँ कि दारू से वोट लेते हैं, और जब दारू से वोट लेंगे तो वो विकास के टंडे की जड़ करेंगे, और ये देखिए विकास हो रहा है। यहाँ हम इन ट्रैक्टर वालों से पूछेंगे कि भैया किस लिए खड़े हैं और कहाँ से आए हुए हैं। चाचा ट्रैक्टर वाले हो आप? हम तो काम वाले भाई साहब। काम वाले हो, किसने भेजा है आपको ये ट्रैक्टर लेके? चलिए इनसे पूछते हैं ट्रैक्टर वालों से। ये देखिए परिस्थिति देखिए, बड़े अजीब नज़ारे हैं यहाँ पर। भैया आप ये ट्रैक्टर किसने भेजे हैं? तीन है? तीन। सुशील कौन? तीन। ये किसकी तरफ से आए हुए हैं? प्रधान जी की तरफ से या किसी नगर निगम की तरफ से या हाईवे की तरफ से? हाईवे की तरफ से। ये जो पानी भर रहा है इसकी शिकायत जो नाले चौक हो रहे हैं, देखिए ये हाईवे वालों ने इनको भेजा है। एक मिनट इधर आएंगे भैया, ये हाईवे वालों ने भेजे हैं, मऊवन टोल वालों ने, तो इसके जो नाले हैं ये तो आप ही के हैं ना, हाईवे वालों के, हाईवे वालों के है ना, और इनमें नगर पंचायत का पानी आ रहा है, इसकी क्यों नहीं आप लोग अधिकारियों से कहते कि हमारे नालों को बंद कर रहे हैं? ये तो साहब अधिकारी जाने। ये देखिए अब आप परिस्थिति देखिए, ये बस निकल के जा रही है और उधर से वो ढकेल आ रही है, आप पोजिशन देखिए हो क्या रहा है, विकास इसी को कहते हैं। यहाँ आप इसमें देखिए, अब ये बाइक निकल के जा रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं बाइक पे बैठे हुए, महिलाएं उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है, ये विकास हो रहा है। शर्म नहीं आती इन जनप्रतिनिधियों को कि ये विकास के नाम पर जनता की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं? 2022 का चुनाव आ रहा है, जनता आपको देख रही है महोदय, क्योंकि विकास आंखों से दिखता है, कागजों में नहीं, सिर्फ अखबारों में एड भरने से नहीं, झूठे वादों से नहीं। महोदय आप ऊर्जा मंत्री तो बन गए, लेकिन आपको एक सोचनी चाहिए थी कि मैं विधायक भी यहाँ का हूँ तो मुझे विकास भी करना चाहिए। और ये देखिए ये पोजीशन देखिए ना आप, कि हो क्या रहा है यहाँ पर, और भी लोग हैं। हाँ आप कहाँ से हैं? हम छठीग्राही के रहने वाले हैं। अब बताइए क्या समस्या है? समस्या यहाँ है, आप इधर आके कहिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। समस्या ये है कि मोटरसाइकिल पर औरतें गिर जाती हैं, नंगी हो जाती हैं, ये अच्छी बात है? तो ये तो आपको जनप्रतिनिधि जिनको आप वोट देते हैं उनसे सवाल करना चाहिए ना। ये हर एक से कह लेते हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। यहाँ के प्रधान जी कौन है? प्रधान जी है, क्या नाम है? नरेश प्रधान जी। उनको कभी शिकायत लिख के दी आप? कही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही, सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं? जो क्या हम कहा करें भैया जी, तो रोड वाले को काम है, रोड वालों का काम है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अपनी जनता के प्रति? ना कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए मतलब उनकी सिर्फ वोट लेने के टाइम पर जिम्मेदारी थी, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये नेशनल हाईवे वालों ने अपने ट्रैक्टर लगा रखे हैं पानी सूतने के लिए, लेकिन सुबह से देखिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और आराम से ये देखिए ये भाई मेरा खड़ा है पाइप पे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की पोजीशन है यहाँ पर, नाले चौक पड़े हुए हैं। मथुरा सिटी में नाला एक ऐसा नहीं है जो खुला हुआ हो, सारे नाले बंद हैं, चाहे वो नगर निगम का हो, नगर पालिका का हो, किसी भी परिषद का हो, नाले सारे बंद हैं, और जनता के साथ ये छलावा, और नालों में लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी बॉडियां मिलती हैं। होता क्या है कि कोई आदमी बुजुर्ग नाले के सहारे से जा रहा है, गिर गया, डूब गया, उस समय गंदगी इतनी होती है कि पता ही नहीं चलती है, 2-4 दिन 10 दिन महीने भर बाद जब सफाई होती है, जब पता चलती है कि इसमें तो कोई बॉडी पड़ी हुई है, और वो उसे ढूंढते रहते हैं और पास कि हमारा बंदा गायब हो गया। ये नगर निगम और नगर पालिका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये लोग और विधायक सांसद सिर्फ जनता की आंखों में झूल झोंक रहे हैं, जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, विकास के नाम पर छलावा कर रहे हैं,
सिर्फ और सिर्फ कागजों में विकास दिखा रही है। विकास ये देखिए, ये है असली इनकी हकीकत। अब ये सोचिए कि इनको जब वोट लेने आए तो इनमें नंगे होके घुमाएं, उनको जूते उतरवा लें और पैदल पैदल इस पानी में घुमाएं, जब पता चलेगी जनता का दुख दर्द। क्योंकि विधायक जी, आप तो सिर्फ वोट लेकर के अपने चैम्बर में बैठे रहते हो, जनता भटकती है तो भटकती रहे। आपको अब जनता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 2022 का चुनाव आ रहा है महोदय। 2022 में जनता आपको बता देगी कि विकास नहीं तो वोट नहीं। मैं इसी के साथ दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़, न्यूज़ मथुरा।